दोस्तों जो चीज़ हम यहाँ पर बना रहे हैं उसको बोलते हैं चिमनी, और इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ कांच की शीशियों की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ वेस्ट में पड़ी हुई हैं और हमारे किसी काम की नहीं है। सबसे पहले तो कांच की बोतल को धो करके साफ करना होता है, और यहाँ पर जो बोतल हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ कांच की ही होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो कैप होती है, जो ढक्कन होता है, वो किसी मेटल का होना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक की कैप वाली बोतल हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारी चिमनी यानी कि लैंप का ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं साइकिल की पुरानी ट्यूब का वो वाला हिस्सा जिसमें कि हवा भरी जाती है, जो कि मेटल का होता है, और हम इसको रबर से अलग कर रहे हैं प्लायर की मदद से खोल करके। ऐसे तो क्लीन करने के बाद में हमारी बोतल साफ होगी, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक ट्रांसपेरेंट बोतल का, जिससे कि हम इसके अंदर की चीज़ें आसानी से देख सकें। और दोस्तों बोतल के ढक्कन के ऊपर हमें एक छेद करना है, एक होल बनाना है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। और अगर हम यूज़ करते एक ब्लैक कलर वाली बोतल का, तो इसके ऊपर भी हमें होल बनाना होता। और अब इस होल के अंदर साइकिल की ट्यूब का जो मेटल वर्क था उसको हम डाल देंगे नीचे की तरफ से, और कुछ इस तरीके से बाहर निकल के आ जाएगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम इसके ऊपर कस देंगे, ताकि इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। हमारे लैंप की बत्ती बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक कॉटन की रस्सी का, इसके अलावा किसी कॉटन क्लॉथ का या फिर कॉटन की यानी कि रुई की बत्ती का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये कॉटन का ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और लगभग आधा से एक फीट की रस्सी की ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी, और इस रस्सी को हमें जो हमारा ढक्कन था बोतल का उसके अंदर की तरफ से कुछ इस तरीके से डालना है कि दूसरी तरफ से बाहर निकल के आ जाए। हमारे लैंप को जलाने के लिए हमें ज़रूरत होगी फ्यूल की, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कैरोसिन का यानी कि मिट्टी के तेल का, और इस बोतल के अंदर लगभग आधा हम इसको भर देंगे मिट्टी के तेल से। कॉटन की रस्सी को ऊपर की तरफ से पूरा निकाल करके एक बार हमें इसे इस कैरोसिन के अंदर भिगोना है, जिससे कि जो कैरोसिन है वो इस बत्ती के अंदर चढ़ जाएगा। दोस्तों इसके पीछे रीज़न होता है कैपिलरी फोर्सेस का, और अगर ये बत्ती इस कैरोसिन के अंदर डूबी रहेगी तो धीरे धीरे जो कैरोसिन है वो ऊपर की तरफ चढ़ता रहेगा कैपिलरी फोर्सेस की वजह से। ऊपर की तरफ से बत्ती को कैरोसिन में भिगोने के बाद में अब हम इसे इसके अंदर डाल करके पूरा पैक कर देंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे, और अब हमारा जो लैंप है, जो हमारी चिमनी है, वो जलाने के लिए तैयार है। कॉटन की बत्ती की लंबाई जो कि वॉल से बाहर निकली हुई है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पर गलती ये की कि इसको काफ़ी ज़्यादा बाहर निकाल दिया, और इसी वजह से थोड़ा सा धुआं भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये इससे अंदर होगी और ठीक अमाउंट में होगी तो जो धुआं है वो आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं निकलेगा, और हमारी जो लैंप है वो तैयार हो गई है। दोस्तों इस लैंप को मैंने सरसों के तेल के साथ में भी ट्राई करके देखा है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो बत्ती के अंदर ऊपर नहीं चढ़ पाया, और जो बत्ती है वो सिर्फ 20-30 सेकंड के बाद में ही बुझ जा रही थी, लेकिन ये जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर